आज का जो कार्यक्रम है वो एड ऑफ कमेटी और आरएसपीबी द्वारा ये आयोजन किया गया, जिस जो कि बहुत बेहतरीन है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना बेहतरीन नेशनल जो है काफ़ी सालों में हमें देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, रहने का भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं आरएसपीबी और एड ऑफ कमेटी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे नेशनल्स का उन्होंने आयोजन करवाया है। देखो, मैंने जो है संन्यास ले लिया है कुश्ती से, 21 दिसंबर को मैंने संन्यास ले लिया। अभी मेरा जो काम है वो रेसलिंग के साथ काम करना है, और जो मेरे जूनियर बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे आएँ, मेरे वेट में खेलें, मेरे से ज़्यादा पदक जीते। ब्रॉन्ज तो मैंने जीता ही है ओलंपिक में, सिल्वर जीते, गोल्ड जीते। तो बस मेरा काम रहेगा कि मैं कुश्ती के लिए कार्य करती रहूँ, अच्छा कुश्ती के लिए जो है वो काम करती रहूँ। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट की थी, और जो नए बच्चे आ रहे हैं बहुत काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी स्टेट्स से बहुत सारे बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो सभी को यही कहना चाहूँगी, आप अपना पूरा ईमानदारी डिसिप्लिन से अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा दिनांक 2 से 5 फरवरी तक गणपति नगर क्रिकेट ग्राउंड में सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे प्रतिस्पर्धा में लगभग 28 टीम पूरे देश की आई हैं, और 1000 के लगभग महिला और पुरुष प्रतिभागी जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो कंपटीशन है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भाग ले रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य कि उत्तर पश्चिम रेलवे की उसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम है इस पूरे में हमने ये भी ख्याल रखा है कि जो खिलाड़ी आए हैं उनको हमने लॉजिस्टिक्स पूरा सपोर्ट दिया है। ये जो पूरी प्रतिस्पर्धा है 3 कैटेगरी में की जा रही है, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और वुमेन रेसलिंग, और अलग अलग 10 भार कैटेगरी में, वेट कैटेगरी जो होती है उसमें हम प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं। जो विजेता होंगे उनको हम मेडिकल और सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। पूरे 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। आज 3 तारीख से मैचेज की शुरुआत हो गई है। आज दिनांक 3 फरवरी को माननीय महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे श्री अमिताभ जी के द्वारा इसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। मैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे बहुत ही जैसे नोटेड प्लेयर जैसे साक्षी मलिक जी जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, इसके अलावा विनेश फोगाट, सुनील मलिक, अर्जुन अवार्डी जो हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे खिलाड़ी हैं, इन सब लोगों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सारे मैचेज आज बहुत सारे होने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया गणपति नगर ग्राउंड में आइए, सारे रोमांचक मुकाबले होंगे उनको देखिए और इस अच्छे जो ऐतिहासिक पल उसके गवाह बनिए। आज जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2023 का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, ये मैं कहूँगा जितनी भी तारीफ़ करी जाए वो कम है। तो 800 के करीब प्लेयर्स और 26 टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतना अच्छा आयोजन संपन्न कराने के लिए। ये 3 दिन तक चैंपियनशिप चलेगी, और यहाँ से जो बच्चे आगे निकलेंगे वो 9 तारीख से हमारा कैंप स्टार्ट हो रहा है, गर्ल्स का पटियाला में और बॉयज़ का सोनीपत में हो रहा है। और उसके बाद हम लोग एशिया क्वालिफाइंग और वर्ल्ड क्वालिफाइंग भी अप्रैल मई में है, और पेरिस ओलंपिक की पूरी तैयारी चल रही है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार रिकॉर्ड रेसलिंग में मेडल्स आएंगे और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हम लोग लगे हुए हैं बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स जो हैं रेसलिंग के। इसके साथ मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन को कवरेज दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज ये जो सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप है इसका शुभारंभ आज हुआ है, फॉर्मली शुभारंभ हुआ है, और बहुत खुशी की बात है यहाँ रेलवे के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए, कि रेलवे को और फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को इस गुलाबी नगरी जयपुर में इन खेलों का आयोजन करने का अवसर मिला। और आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे खिलाड़ी बहुत दूर दूर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी खिलाड़ी आए हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी बहुत खिलाड़ी आए हैं, और यहाँ पर पूरी जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की टीम है, स्पोर्ट्स की जो टीम है, उन्होंने रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पे, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो है उसके सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे, और उसकी और जो सीनियर पदाधिकारी हैं भूमा जी वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। आप सब लोगों की गाइडेंस में, मार्गदर्शन में पूरा यहाँ पे सब इंतज़ाम किए हैं, और सब लोगों ने इंतज़ामों को बहुत सराहा है। आप सब भी यहाँ के लोकल मीडिया पर्सनस हो, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से कवर करो, इवेंट को कवर करो, और यहाँ पर खेल भावना से बहुत अच्छा खेल होगा। और आप सब जानते हो कि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें कि भारत का प्रदर्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, उसमें पदक लेके आ रहे हैं।
और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों को एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और अभी हम लोगों ने स्टेज पे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे कुश्ती से जुड़े हुए अर्जुन अवार्डीज़ हैं, द्रोणाचार्य अवार्डीज़ हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे उनको सम्मान दिया। ये भी एक दिखाने के लिए कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी बहुत आवश्यक हैं देश के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हो और अच्छी कवरेज इस कार्यक्रम की होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में तो जैसे जैसे इवेंट्स होती जाती हैं वैसे वैसे जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, प्राइजेस जो होते हैं मिलते हैं, वो पोडियम पे पोडियम फिनिशर्स को बोलते हैं होती है। और जो बाद में जो टीम चैंपियनशिप्स हैं वो अंतिम दिन उसके अवार्ड्स दिए जाएंगे।